हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या भीषण ठंड में भी ये सोलर प्लेट काम करता है कि नहीं करता है, काम करता है तो कितना काम करता है। तो डीसी, आज हम डीसी एलईडी भी डीसी बॉल भी चेक करेंगे जो कि मेरे पास हैलोजन वाला है, और देख सकते हो ये ठंड अभी। और आज आपको मल्टीमीटर पर भी चेक करके बताएँगे कि कितना एम्पियर आ रहा है, और डिस्प्ले पर भी दिखाएँगे कितना एम्पियर से चार्ज हो रहा है हमारा बैटरी दिसंबर के ठंड में भी। तो आज दिसंबर के करीब 14 तारीख है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज, और ये देख सकते हो कोहरा, जो पूरा फॉग है पूरा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ये अभी भी पूरा फॉग जमा है पूरे, और इस पर ही पूरा फॉग पड़ा है आप देख सकते हो। और ये मेरा पॉली पैनल और मोनो पैनल दोनों है, तो दोनों हम टेस्ट करेंगे और इसको हम सिंगल सिंगल खोल के भी चेक करेंगे कि कितना एम्पियर दे रहा है, और क्या एक पैनल 12 वोल्ट का है जो मेरा डीसी जो हैलोजन है उसको जला सकता है कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना भी ज़्यादा ठंड है और फॉग भी पूरा है, आप आसपास का एरिया देख सकते हो। और ये छत पे मेरा लगा हुआ है ये सोलर पैनल, जो कि मेरे पास 290 वाट का पॉली पैनल है और 380 वाट का मोनो पैनल है जून सोलर का। तो ये रहा मल्टीमीटर, तो हम चेक करते हैं कि अभी कितना एम्पियर दे रहा है ये हमारा तीनों मिल के, जो मेरा 2 12 वोल्ट का एक 24 वोल्ट का। तो जो मेरा 12 वोल्ट का सीरीज में कनेक्ट है मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो हम देख चेक करते हैं कितना एम्पियर दे रहा है। तो ये मैं कनेक्ट कर लिया हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैंने चेक किया तो मल्टीमीटर अभी इतना उसमें फॉग चला गया था कि वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया हूँ, फिर से कनेक्ट कर लिया हूँ। और हम नीचे चल के आप देखते हैं डिस्प्ले में, चेक करते हैं कितना अभी एम्पियर आ रहा है। तो डिस्प्ले में देख लेंगे और वहाँ पे ये भी देख लेंगे कितना बूस्ट होकर चार्ज हो रहा है। अभी भी देख सकते हो पूरा फॉग है चारों ओर, और इस पर भी देख सकते हो फॉग का पानी कितना नीचे गिरा हुआ है। और अभी तो थोड़ा सा फॉग सूख गया है इस पर, अभी धूप लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया है। तो हम नीचे चले आए हैं और हम चेक करते हैं, ये रहा मेरा सोलर सिस्टम। अभी हम डिस्प्ले में चेक करेंगे कितना एम्पियर दे रहा है। और हाँ, मैंने आज ये देख सकते हो मेंस भी ऑन कर दिया हूँ रात में, क्योंकि मेरा जो आजकल ठंड का सीजन चल रहा है, तो 2 सोलर पैनल लगा है 24 वोल्ट का, तो 24 वोल्ट का काम नहीं कर रहा है अभी, लगभग 2 पैनल से काम नहीं हो रहा है दिसंबर के मंथ में, क्योंकि दिसंबर के मंथ में एम्पियर जो बहुत कम आता है, क्योंकि धूप का जो पावर है बहुत कम रहता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी दिसंबर के 14 तारीख के में कितना एम्पियर आ रहा है। अब बिल्कुल भी धूप नहीं है छत पर, कोहरा है, फिर भी देखते हैं कितना वोल्ट कितना एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ देखिए सोलर पे पावर अवेलेबल हो रहा है, देखिए 1.7 एम्पियर आ रहा है सोलर से, तीनों सोलर और 37 वोल्ट आ रहा है, और बूस्ट करके 3.8 एम्पियर से चार्ज कर रहा है हमारा बैटरी को, और साथ साथ मेंस भी चार्ज हो रहा है, मेंस से भी चार्ज हो रहा है। तो आपने देखा कि इतना फॉग में भी लगभग 3.5 एम्पियर प्लस से चार्ज कर रहा था। और हम ये अब डीसी हैलोजन बाइक का एलईडी लाइट ले आए हैं, हैलोजन। और अभी हम चेक कर लेते हैं इस पैनल पे कि फॉग में भी काम करेगा कि नहीं। देख सकते हो धूप बिल्कुल भी नहीं है अभी, सन दिखाई भी नहीं पड़ रहा है फिलहाल। तो ये मेरा 12 वोल्ट का डीसी हैलोजन लाइट है, तो इसको हम यदि 24 वोल्ट पे चेक करेंगे तो फ्यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं इसको खोल लेता हूँ पैनल को पहले। तो जो मेरे पास 12 वोल्ट का जो सीरीज़ में कनेक्ट है, जिसको मैं 24 वोल्ट बनाया हूँ, उसको मैं खोल लेता हूँ सीरीज से, और हम चेक कर लेते हैं कि ये एक पैनल पे काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरा 24 वोल्ट का हो गया, इसको भी खोल लेते हैं, तो हम देखते हैं खोल के। तो ये वायर मेरा पहले से खुला है जो इन्वर्टर का, तो अब जो सीरीज़ में है मैं उसको भी खोल लेते हैं, हम चेक करते हैं 200 वाट का जो मेरा ये पैनल है इस पर काम करता है कि नहीं। तो उसके बाद देखेंगे 24 वोल्ट पे भी चेक करेंगे। तो पहले हम ये सीरीज़ में देख के देख सकते हो ये सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ को हम खोल लेते हैं। तो ये रहा मेरा सीरीज से कनेक्ट, तो इसको खोल के दिखाते हैं आपको और चेक करते हैं क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है। ये देख सकते हो मैंने सीरीज़ में इसको खोल लिया हूँ जो सीरीज़ में कनेक्ट था। तो ये 200 वाट का जून सोलर का मोनो पैनल है, और अभी पूरा फॉग है, हम चेक कर रहे हैं। ये देख सकते हो ये माइनस है और वो उसमें प्लस था, तो हम यहाँ पे प्लस कनेक्ट कर लेंगे इसमें माइनस, तो वायर कनेक्ट कर लेते हैं हम इसमें। तो ये देख सकते हो वायर कनेक्ट कर लिया हूँ, और ये देख सकते हो काम कर रहा है लेकिन बहुत ही कम काम कर रहा है। तो 12 वोल्ट का जो मोनो पैनल है 200 वाट का, उससे लाइट तो आ रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लाइट आ रहा है, क्योंकि अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिना धूप का हम चेक कर रहे हैं, जो हमारा फॉग है उसी में चेक कर रहे हैं।
तो हम ये देख सकते हैं कि अभी हमारा 200 वाट का जो पैनल है उसमें करंट आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम करंट आ रहा है। तो हम अभी बात 24 वोल्ट का जो हमारा सिस्टम है, जो 24 वोल्ट का मोनो पैनल है, उसको सॉरी पॉली पैनल, उस पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना एम्पियर आ रहा है। तो 290 वाट का ये पॉली पैनल है, अब हम इस पर चेक कर रहे हैं कि ये किधर चल रहा है कि नहीं चल रहा, और चल रहा है तो कितना चल रहा है। तो 24 वोल्ट का पैनल पे कनेक्ट करने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं बल्ब फ्यूज ना हो जाए। तो अभी हम चेक कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉग है तो शायद फ्यूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए जितना 12 वोल्ट पे आ रहा था उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा वोल्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि अभी फॉग नहीं है। तो 24 वोल्ट का भी हम यदि 12 वोल्ट का ही कनेक्ट किए डीसी तो हैलोजन नहीं ख़राब हुआ, मुझे लगा कि ख़राब हो सकता था, लेकिन करंट अभी कम आ रहा है इसलिए ख़राब नहीं हुआ। तो एक बार हम अभी तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं, जो सीरीज से खोले थे वो भी सीरीज से हम कनेक्ट कर लिए हैं। ये दोनों अब 24 वोल्ट हो गया है, और 24 वोल्ट को पैरेलल करके अब पॉली और मोनो को हम देख लेते हैं कि अभी कितना, अभी भी सूरज लगभग ये देख सकते हो, अभी लगभग थोड़ा सा सूरज दिख रहा है, लेकिन धूप बिल्कुल ही नहीं है, बस थोड़ा सा सूरज दिख रहा है। तो वह चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये फ्यूज़ होता है या क्या होता नहीं होता, हम देख लेते हैं। तो ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तीनों पैनल के साथ चेक हो रहा है। तो ये देख सकते हो आप, अभी तक जला नहीं है, ये देख देखिए तीनों जला, लेकिन तीनों पैनल से जला, बहुत ही पावर के साथ जल रहा है। इतना पावर के साथ तो पहले भी नहीं जलता था, मतलब तीनों पैनल के साथ काम कर रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन फ्यूज़ भी हो सकता है। ये देखिए जल रहा है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पावर है। मैं आपको कैमरे में अच्छे से दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं इसको जलाता हूँ मेरा हाथ पे पूरा गर्म फील होता है, क्योंकि उसके हैलोजन जो वो गर्म होता है, बहुत ही पावर है इसके। जबकि अभी धूप बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो पूरा फॉग ही फॉग है, बस धूप अभी सूरज थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। तो आपने देखा डीसी जो हमारा हैलोजन है वो इस पैनल पे 12 वोल्ट का पैनल पे चेक किए तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, और यदि हम 24 वोल्ट पर पैनल पे काम टेस्ट किए तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा जल रहा था। और यदि हम 24 वोल्ट का जो पैनल है उसको हम यदि कनेक्ट किए एक साथ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पावर आया। तो अब हम आपको नीचे भी जाके दिखा देंगे कि अभी कितना एम्पियर आ रहा है जो हमारा सोलर पैनल से है, कितना पॉली और मोनो से कितना एम्पियर आ रहा है दोनों से, और कितना बूस्ट होके चार्ज हो रहा है। नीचे हम दिखा देते हैं, ये आ गए हम फिर सोलर इन्वर्टर के पास। तो ये हमें MPPT में आपको दिखा देते हैं। तो मेंस मेरा अभी भी ऑफ है, सॉरी ऑन है, मेंस अभी भी मेरा ऑन है, ये देख सकते हो सोलर पावर अवेलेबल। तो ये 3.1 एम्पियर और 37 वोल्ट आ रहा है, और ये बूस्ट होकर चार्ज हो रहा है 7.1 एम्पियर और 13.8 वोल्ट से, यानी कि 7.1 एम्पियर से चार्ज हो रहा है बैटरी। और जो हमारा मेंस ऑन है तो मेंस से हमारा 10 एम्पियर से चार्ज होता है, तो दोनों मिला के 17 एम्पियर से भी चार्ज हो रहा है हमारा बैटरी। 10 एम्पियर से मेंस से जो हमारा घर का बिजली है, और 7 एम्पियर से ये सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है। तो आपने देखा दिसंबर के मंथ में जब पूरा फॉग हो फिर भी ये काम करता है सोलर पैनल, जो हमारा मोनो और पॉली है। तो जो मोनो पैनल है वो ज़्यादा काम करता है फॉग में पॉली पैनल के हिसाब से, और यदि इसके यहाँ पे डायमंड कट होता तो इस और भी ज़्यादा काम करता, क्योंकि डायमंड कट मोनो पैनल जो है वो थोड़ा सा और अच्छा होता है फॉग के लिए। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि फॉग में भी काम करता है सोलर पैनल। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।